फ्रेंड्स, मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मोर कंप्यूटर पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन मैजिकल ट्रिक्स के बारे में, जिसके लिए मेरे पास इंटरनेट का होना बहुत आवश्यक है। मींस, जो भी व्यक्ति इस मैजिकल ट्रिक को करेगा उसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी का होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ ही हमारा वर्क होता है। तो आज की हमारी क्लासेस में हम बात करने वाले हैं, अगर हमारे पास हैंडमेड रिटन नोट्स हों या कोई ऐसी फाइल जो हमने स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में रखी हो, और इन फ्यूचर हमें अगर उसमें लिखे हुए मैटर को, जो टेक्स्ट मैटर है, उसको दोबारा से डॉक फाइल में कन्वर्ट करना हो या चाहिए हमें वो मैटर रिटन में, तो उसको हमें टाइप करना होता है। और हम इस वेस्ट ऑफ टाइम से, मतलब टाइपिंग में वेस्ट होने वाले समय से बचना चाहते हैं और उस पे लिखे हुए कैरेक्टर्स को डॉक्यूमेंट यानी कि वर्ड की फाइल में रिटर्न चाहते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको किस प्रकार से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाऊंगा वो डॉक्यूमेंट जो मेरे पास जेपीजी फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में पड़े हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाया हुआ है डॉक्यूमेंट्स के नाम से। अब आप देखेंगे कि इस डॉक्यूमेंट के फोल्डर में एक मिनट फ्रेंड्स, सॉरी, हाँ, तो आप देखेंगे हमारे जो डॉक्यूमेंट फोल्डर है, उस डॉक्यूमेंट फोल्डर में मेरे पास कुछ नोट्स हैं। ये मैंने फेसबुक से कॉपी किए थे, आप देख रहे होंगे ये हैंडमेड रिटन नोट्स हैं। कुछ और भी पेजेस हैं, चाहे वो हिंदी में लिखे हों चाहे वो इंग्लिश में, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है जिसमें मैंने एमएस वर्ड के कुछ नोट्स लिखे थे और इसी की जेपीजी फॉर्मेट की फाइल है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इसमें एडिट करना चाहता हूँ, इस रिटर्न मैटर में एडिट करना चाहता हूँ, लाइक बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, कलर, मींस इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहता हूँ या कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल मैटर इसमें एड ऑन करना चाहता हूँ, चाहे वो पीडीएफ फाइल हो या जेपीजी फाइल या फिर हैंड रिटन मेड फाइल। तो फ्रेंड्स, हम इसको कैसे करेंगे, तो आइए जानते हैं। उसके लिए मैंने आपको बोला था इंटरनेट कनेक्टिविटी का होना बहुत आवश्यक है। हमारे सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्टेड है, आप देख रहे हैं। अब गूगल क्रोम में जाएंगे और सबसे पहले गूगल को ओपन करेंगे। इसके लिए किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन आपका यह वर्क हो जाएगा। इसीलिए आप सभी मेरे श्रोताओं से, मेरे जितने भी फ्रेंड्स इससे सीखते हैं, कृपया उन सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस अगर उनको अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को कमेंट करें और लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आप देखिए वीडियो स्क्रीन के राइट साइड में आपके सब्सक्राइब का बटन आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपने गूगल ऑन किया और अब आप अपनी जीमेल अकाउंट से इसको साइन इन कर लीजिए। साइन इन पर क्लिक करते ही आप अपने जीमेल अकाउंट से इसको लॉग इन कर लीजिए। आप देख रहे होंगे हमारे चैनल के जीमेल अकाउंट से मैंने इसको लॉग इन कर लिया है, यहां पर हमारे चैनल का आइकन भी आ चुका है। उसके बाद आपने इस बॉक्स पर क्लिक करना है, ये एप्लीकेशन बॉक्स है। इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपने ड्राइव पर क्लिक करना है, इसको बोलते हैं दोस्तों गूगल ड्राइव। ड्राइव पर जाना है, ड्राइव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एक न्यू ऑप्शन नजर आएगा। तो आप जैसे ही न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फाइल अपलोड के लिए ऑप्शन होता है, वहां से आप अपनी उस फाइल को चूज कर लीजिए जिसको आपको टेक्स्ट मैटर में कन्वर्ट करना है। मैंने डॉक्यूमेंट के फोल्डर में सेव किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक सिंपल जो हैंडमेड रिटन नोट्स हैं उस नोट्स को ओपन करता हूं। अब आप देखेंगे हमारी वो फाइल जेपीजी फॉर्मेट की अपलोड होनी स्टार्ट हो गई है, यहां पर आपको स्टेटस बताएगा और अब वो अपलोडेड हो चुकी है। आप रीसेंट अपलोड में देख सकते हैं, आपको वो अपलोडेड दिख जाएगी। अब आपने करना कुछ नहीं है, इसी आइकन्स पे जो आपकी अपलोडेड फाइल्स दिखा रही है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और ओपन विद गूगल डॉक्स पर क्लिक करना है। थोड़ी देर ये प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद आपके सामने गूगल डॉक्स की फाइल्स ओपन होकर आएगी। एग्जैक्टली गूगल डॉक्स माइक्रोसॉफ्ट का ही गूगल डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन है। तो आप देखेंगे ऊपर आपका वो स्कैन पेज आ रहा है जिसमें हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी के फॉन्ट्स में, और उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे वही वर्ड्स आपके
टाइप होकर के आ चुके हैं। अब आपने करना क्या है, फाइल पर जाना है और डाउनलोड पर क्लिक करना है, और किस फॉर्मेट में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक के फॉर्मेट में। ओके, अब आपकी ये डॉक्यूमेंट्स की फाइल्स डाउनलोड हो जाती है। अब आप इसको ओपन करेंगे, आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल ओपन होती है, जिसमें ऊपर जेपीजी फॉर्मेट की आपकी ये फाइल नजर आ जाएगी। इसको आप देख सकते हैं, और इसके नीचे आप देखेंगे आपकी फाइल टाइप किए हुए उसी फॉर्मेट में नीचे आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी आसानी से आपके हैंडमेड जो रिटर्न नोट्स हैं उनको टेक्स्ट कन्वर्ट करके माइक्रोसॉफ्ट डॉक की फाइल को बना दिया है। आइए देखते हैं किसी पीडीएफ फाइल को कैसे कन्वर्ट किया जाए। एज इट इज वही आपने न्यू पर जाना है, फाइल अपलोड पर क्लिक करना है, और अपनी पीडीएफ फाइल को भी इसी प्रकार से अपलोड करना है। और पीडीएफ फाइल के अपलोड होने के बाद आप सेम वही रिसेंट पर जाएंगे और अपनी पीडीएफ फाइल पर राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल डॉक्स। इसमें भी सेम प्रोसेस लगेगा, आपकी फाइल्स ओपन होगी और वो कन्वर्टेड टेक्स्ट में आपको दिखाई देगी, आप देख रहे होंगे। अब आप इसको इसी प्रकार फाइल में जा करके डाउनलोड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल्स में सेव कर सकते हैं और इसको ओपन करके देख सकते हैं। अब आप इसमें किसी भी प्रकार का मैटर एड ऑन कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग करना चाहे तो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी कलर्स दे सकते हैं। मीन्स आप ये एडिटोरियल फाइल्स हो चुकी है, आप इसमें किसी भी प्रकार का एडिट कर सकते हैं। तो आपने सीखा कि किस प्रकार से हम किसी भी स्कैन इमेजेस के टेक्स्ट को, चाहे वो जेपीजी फॉर्मेट में हो या पीडीएफ फॉर्मेट में हो या फिर हैंडमेड रिटर्न नोट्स हो, उनको हम इजीली टाइपिंग फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में सेव कर सकते हैं। किसकी मदद से? गूगल डॉक्स की मदद से, या कहिए गूगल ड्राइव्स के थ्रू। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें एक बात ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें कोई मैथमेटिकल कैरेक्टर्स लिखे हुए नहीं आते, या किसी प्रकार का कोई चित्र बना हुआ हो, मीन्स कि कोई आपका आर्ट बना हुआ है, यानी कि कोई डायग्राम्स बना हुआ है, तो वो नहीं आएगा। या कोई टेबल कंटेंट जिसमें आपके मैटर में है, तो वो टेबल कंटेंट आती तो है लेकिन अलाइन बेस्ड उसका प्रॉपर नहीं आता है। तो ज्यादातर कोशिश कीजिएगा इसमें उस तरीके के डॉक्यूमेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल में कन्वर्ट किया जाए, जिसमें सिंपल मैटर रिटर्न हो, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। और ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि अगर आप हिंदी के नोट्स को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तो हिंदी का फॉन्ट आपके सिस्टम में अपलोडेड होना चाहिए। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और इसी आशा के साथ कि आगे आने वाली वीडियोस में भी आपको इसी तरीके की मैजिकल ट्रिक्स मैं देता रहूंगा, अलविदा लेना चाहूंगा और आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा चाहने वालों तक शेयर करें। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग अवर चैनल। थैंक्स फ्रेंड्स।